नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। कल छठ पर्व है और काफ़ी ज़्यादा देश भर में बहुत धूमधाम से छठ मैया की पूजा की जाती है। बिहार का बहुत जाना माना फेस्टिवल है। इसी बात पे बात करेंगे कालकाजी विधानसभा के पूर्व विधायक अवतार सिंह कालका से कि किस तरह से इस बार दिल्ली सरकार ने परमिशन नहीं दी है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा पेंडेमिक दौर से गुजर रहे हैं और छठ पर्व पर जो लोग जब एकत्रित होंगे तो कोरोना बहुत ज़्यादा फैलेगा। सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत मैं छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी को, सभी देशवासियों को, खास करके बिहार के पर्व में जो पिछले साल हमने जो मनाया था छठ पर्व, तो बहुत आनंद आया था और लोगों का बड़ा उत्साह था। तो उस उत्साह को देखते हुए अभी कोरोना के दौर में लोगों के मन को बड़ी दिक्कत हो रही है कि कैसे ये कैसा समय आ गया कि छठ मैया की पूजा करनी होती है, तो उसके लिए बड़े दिल पे पत्थर रखकर उनको अपने घर पे रहना पड़ेगा। और हमारे को इस वक्त मौके को समझते हुए अपने घर में ही हमारे को पूजा करनी चाहिए। और बहुत बहुत बधाई देता हूँ दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है वो फैसले पे हमारे को, क्योंकि वो सब कुछ देखते हैं ऊपर के ऊपर बैठकर, तो उनके फैसले जो उनसे है बहुत समझ के लिए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे को अपने घर में अपना स्टे होम करके अपने आप को सुरक्षित भी रखना है और छठ मैया का पर्व भी मनाना है, क्योंकि छठ मैया तो सबके दिल में बसती है। तो सभी को अपने मन में अंदर झाती मारनी और मैया को नमस्कार करके, और हमारे को इसी में हमारे को अपने मन को शांति देनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है। अपना भला तो करना है, लोगों का भला भी करना है। तो मैं सभी को कहूँगा कि घर पर सुरक्षित रहें और छठ मैया को अपने मन में बसा कर अपना उसके छठ पर्व का आनंद लें। सर, एक फैसले से लेकिन लोग ज़्यादा खुश नहीं है दिल्ली सरकार के, जो मास्क के ऊपर 2,000 रुपये का जुर्माना अब लगा दिया है। जिस गरीब व्यक्ति, अगर जिसकी कमाई रोज की 200 रुपये है, अगर कल को वो मास्क उसका गलती से उतर जाता है या टूट जाता है और पुलिस प्रशासन उसका 2,000 रुपये का चालान काट देते हैं, तो ये कौन भरेगा? ऐसा सरकारें जब फैसला लेती हैं, मेरा ख्याल तो यही कहता है कि अपना जब कोरोना का दौर चल रहा है, पैसा वैल्यू नहीं रखता, ज़िंदगी वैल्यू रखती है। तो इस ज़िंदगी को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने जो फैसला लिया है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे को, अगर हम इसमें हमारा ही भला है, तो हमारे को अपने जीवन भी सुरक्षित रखना और दूसरों का भी रखना, क्योंकि मुंह पे मास्क लगा होगा तो दूसरा सुरक्षित होगा। तो ज़िंदगी में अगर आए हैं तो दूसरों के लिए जीने के लिए आए हैं। 2,000 को अगर हमारे को लगता है कि 2,000 ज़्यादा है तो अपना जो जुर्माना देना पड़ेगा, तो हमारे को खुद को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे को भी सुरक्षित रखना चाहिए। ये सरकार जो फैसला लेती है, अच्छा फैसला लिया है उन्होंने। कहने का मतलब है कि 2,000 जुर्माना तो बहुत ज़्यादा है, किसी के ऊपर आ जाए तो उसको बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पर सरकारों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए ताकि हम सुरक्षित भी रहें और सरकार का कहा भी माने हम। जगह जगह सर होर्डिंग लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि दिल्ली सरकार ने MCD की तनख्वाह नहीं दी है, 13,000 करोड़ रुपये का आरोप है, ये सच है? देखो, ये तो सरकारें जानती हैं, ये आज का नहीं, पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कि MCD कह रही है कि हमारा पैसा नहीं दे रहे और सरकार कहती है हमने पैसा लेना है, तो ये पैसा दे नहीं रहे। अब ये पॉलिटिक्स है सारी, तो मेरा ख्याल है इसमें तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, ये सरकारों का फैसला है, अंदर क्या चल रहा है सरकार जानती है अच्छे से। क्या संदेश रहेगा सर जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, खासकर कालका जी के, क्योंकि कालका जी के लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, दोबारा चाह रहे हैं कि आप दोबारा विधायक के इलेक्शन लड़ें और निगम के इलेक्शन नज़दीक हैं, तो क्या लगता है अगर पार्टी मौका देती है तो किस तरह से लोगों के बीच में आएंगी? देखो, ये समय आएगा, समय जो बलवान होता है, जब हम MLA बनना नहीं चाहते थे तब घर से बुलाकर हमारे को पार्टी ने MLA बना दिया, तो ये समय बताएगा कि MLA बनना है या नहीं बनना, क्योंकि गुरबानी में आता साहेब हाथ वेड़े आइयाँ जिस पावे तिस दे, जिसको बनना है वो बन जाता है। ये कोई परमानेंट सीटें नहीं होती, हमारे को मानवता की सेवा करनी है, वो हम निरंतर करते रहेंगे और चल भी रही है, और हमने यहाँ पे अपना ऑफिस भी खोला है और जनता की सेवा के लिए भी काम करेंगे और अपना काम भी करेंगे। तो मैं सभी को, क्षेत्रवासियों को कहूँगा कि अपना पॉल्यूशन को देखते हुए हमारे को अपने घर के आसपास स्वच्छ रखना चाहिए और स्वच्छता को आगे लेके चलेंगे, और हम इस पे ध्यान भी चलाएंगे ताकि सफाई का जो है, कालका जी को हम बहुत खूबसूरत बनाने जा रहे थे हम अपने दौर में, तो आगे भी चाहेंगे कि कालका जी विधानसभा चमके। और इसमें मैंने पहले भी कहता आया हूँ कि यहाँ ये जो उनका स्थान है कालका जी का, इसमें गोल्डन अपना लोटस टेम्पल भी है, कालका मैया का मंदिर भी है, और क्या कहते हैं,
यहाँ नेहरू प्लेस की मार्केट भी बहुत बड़ी है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और वैसे भी ये कालकाज विधानसभा खूबसूरत विधानसभा है, तो इसमें इस्कॉन टेम्पल भी है। तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात थी कि मैंने बहुत सेवा की उस टाइम, हमारे से ऊपर वाले ने बहुत सेवा ली और हम लगे रहे, और बड़ी खुशी की बात है कि इसको अगर हम और चमकाएं, बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट दिए थे वो चल भी रहे हैं, और कालकाज विधानसभा की खूबसूरती के लिए तो आने वाले समय में जो सेवा होगी हम करेंगे, परमात्मा सब हमारे से करवाएगा तो हम करेंगे।